Daily Live, a platform to sharing your thoughts. नमस्कार दोस्तों, सिटी लाइव न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं दीपक गोस्वामी और आप इस समय देख रहे हैं आपकी बात हमारे साथ। आज हम ऐसे ज्वलंत मुद्दे को लेकर आपके सामने आए हैं जिसकी बातें सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं पूरे देश और पूरे हमारे राज्यों में भी लगातार मजदूरों के लिए बड़े बड़े दावे कर रही है सरकार, लेकिन वाकई क्या मजदूरों तक वो सुविधाएं पहुंच पा रही हैं? आज हम बात करेंगे इसी विषय पर। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी जो पिछले लगातार कई दिनों से, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से मजदूरों, गरीब परिवारों और अनाथ लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। आप हैं मुकेश गोस्वामी जो कि समाज सेवी हैं। आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मुकेश जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी मुकेश जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा। आप, क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लगातार गरीब लोगों की, मजदूरों की और असहाय लोगों की लगातार सेवा कर रहे हैं, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्थाएं करवा रहे हैं, उनके लिए आने जाने की गाड़ियों की व्यवस्थाएं करवा रहे हैं, आप बताइए वर्तमान स्थिति में हमारे मजदूर और गरीब जो लोग हैं जिनको वाकई आवश्यकता है सरकारी मदद की और आम जनता की मदद की, आज वो किन परिस्थितियों में है? देखिए, मुझे लगता है कि जो इस देश का गरीब है, चाहे वो राजस्थान हो चाहे दूसरे राज्य हो, और मजदूर तो बहुत ही ऐसी भयाव है और भयानक स्थिति में अभी फंसा हुआ है। उसको काम मिला नहीं, सारा काम बंद हो गया और बहुत दावे किए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, भारत सरकार ने, राज्यों की सरकारों ने कि उनको लॉकडाउन पीरियड का पैसा मिलेगा, तनख्वाहें मिलेंगी, लेकिन एक भी रुपया नहीं मिला, बल्कि पुराना जो पैसा था वो भी नहीं मिला। 50 दिन से वो बैठे हुए खा रहे हैं, खरीद रहे हैं, सरकारों ने बहुत दावे किए हैं कि हम पहुंचा रहे हैं, कहीं कहीं नाम मात्र की कुछ कुछ चीजें पहुंची हैं उनके बीच में, बाकी कुछ नहीं पहुंचा है। और जब से पहले भी मार्च में 28-29 मार्च को बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में मजदूर सड़कों पर उतर गए थे, अभी भी पिछले 10 दिनों से मजदूर और दूसरे लोग भी लगातार पैदल चल रहे हैं, उनके लिए बसों की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए खाने की व्यवस्था नहीं है। दूसरे लोग जो गांव में रहते हैं, अपने घरों में रह रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं वो कर रहे हैं, सरकारें थोड़ी देर के लिए थोड़ी बसें चलाती है फिर बंद कर देती है, एक राज्य दूसरे राज्य से लोगों को नहीं ले रहा है। मतलब इससे भयानक और शर्मनाक स्थिति क्या होगी कि आपके राज्य के लोग हैं उनको ये कह के कि हम अभी नहीं ले सकते हैं इनको, उनकी जांच कर लीजिए आप, उनकी व्यवस्था करिए, उनकी स्वास्थ्य जांच करिए और उसके बाद आप उनको अंदर लीजिए, ये कोई तरीका नहीं है। कई राज्यों ने मना कर दिया पहले, अभी बंगाल जैसे ले नहीं रहा है अपने मजदूरों को, उत्तर प्रदेश ने पहले कहा और भी कई राज्यों ने कहा, राजस्थान ने 2 दिन के लिए अपनी सीमाएं सील कर दी, तो जो राजस्थान के लोग दूसरी जगह से पैदल चल के आ रहे हैं वो बॉर्डर पर डटे हुए थे। तो इस तरीके की चीजें ऐसे भयानक दौर में जब सबसे, और ये तो है मजदूरों की स्थिति, एक तरीके के मजदूर जो कंपनियों में, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, दूसरा जो तबका है बेसिकली जो कच्ची बस्तियों में रहता है, फेरी लगाता है और कई तरह के ठेले पर सामान बेचता है, उन सब की सारी चीजें बंद हो गई और उनके पास इतनी बचत नहीं है कि वो इतना लंबे समय तक सर्वाइव कर सके। सरकारें कहती हैं कि हम इतने हजार, इतने लाख खाने के पैकेट बांट रहे हैं, लेकिन खाने के पैकेट में भी वो 100 ग्राम की खिचड़ी को कब तक खाता रहेगा व्यक्ति, कब तक जिंदा रहेगा उससे। तो ये जो भयानक दौर है, न तो केंद्र सरकार उसके बारे में सोच रही है कि मजदूर ये पैदल चल के जा रहा है, और न ही राज्य सरकारें उसके लिए सोच रही है कि जो पैदल जा रहा है उसके लिए माकूल व्यवस्थाएं करें, जांच की व्यवस्थाएं करें, और जो लोग कच्ची बस्तियों में रह रहे हैं, सड़कों पे सोने वाले लोग जो मजदूरी के लिए आते थे वो पुलों के नीचे सोते थे, सड़कों पे सोते थे। जयपुर में ही 50,000 लोग ऐसे थे जिसका आंकड़ा पहले भी हमें कई बार बताया गया था, वो लोग भी अभी अपने घर नहीं लौटे हैं, सड़कों पे आज भी सो रहे हैं। तो उनके लिए व्यवस्थाएं करना, उनको खाना पहुंचाना, और बेसिकली ये जो लोग पहुंच गए, जो जहां से थोड़े बहुत ही लोग पहुंचे उनके लिए वहां पर रोजगार की, क्योंकि हमारे देश में तो 35-39% लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है, वो जाके वहां करेंगे क्या, रोजगार के क्या साधन होंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं, और कई ऐसी मार्मिक कहानियां सुनने को मिलती हैं कि महाराष्ट्र से चल के लोग राजस्थान तक आ गए और बिहार बंगाल तक जाएंगे,
उसको कैसे, पता नहीं कितने लोग रास्ते में मर जाएंगे, 6 महीने से लगा के 10 साल तक के बच्चे क्या वो पैदल चलते 1,000-2,000 किलोमीटर की यात्रा में जिंदा रह पाएंगे? और उनका बिल्कुल मुकेश विश्वास जी, अभी मुकेश जी बेसिकली इसी किसी भी सरकार, जी जी मुकेश जी हम इस पर आपसे जी आगे भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी भी मौजूद हैं, जो कि लगातार मुख्यमंत्री या अन्य जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके साथ उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें भी जाते रहते हैं। मैं श्याम जी आपसे जानना चाहूंगा कि आप लगातार सरकार से भी जुड़े हैं, आप समाज सेवा से भी जुड़े हैं, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो धरातल की स्थिति है, जो वास्तव में राजस्थान की स्थिति कहें या हमारे पूरे देश की स्थिति कहें, कहीं ना कहीं मजदूरों तक जो लाखों करोड़ों का जो पैकेज सरकार दावे करती है रोज टीवी पर आकर, रोज अखबारों के सामने आकर, तो क्या वो दावे सही ही साबित हैं? जैसा कि मुकेश जी बता रहे हैं कि कितनी भयानक स्थिति है। आज भी राजस्थान या जयपुर की बात करें, जहां सरकार खुद बैठी है, वहां पर हजारों लोग पिछले कई दिनों से पैदल जा रहे हैं, उनके लिए बसों की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए दीपक जी, ये देश जिसके सहारे चलता था, जिसके विकास की धुरी हमेशा मजदूर को माना गया है, लेकिन आज वो सबसे ज्यादा पीड़ित है। उसको कोई रखवाला नहीं है यहाँ, उसको कोई विश्वास दिलाने वाला नहीं है कि कल आपका अच्छा होगा, इसलिए वो अविश्वास में है और उसको ये पता नहीं है कि उसके घर तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। सही बात है, आज जिस स्थिति में पैदल ही चल दिया, उसको पता था कि मुझे साधन मिलेगा नहीं, वो पैदल भारी तादाद में देखेगा कि देश के हर कोने में पैदल जा रहा है इंसान। और वो आप घटना भी हुई है, आपने देखे औरंगाबाद में जिस प्रकार से पैदल जा रहा था, मध्य प्रदेश की कटनी की, दो लोग आ रहे थे, जी वो 16 के 16 कट गए। वो अब देखिए कि ये विडम्बना, और 5 लोग अब राजस्थान के जो आ रहे थे वो उलट गई तो उसमें डेथ हो गई। तो मैं मान के चलता हूँ कि देश में आज जिस मजदूर के लिए सब कुछ होना चाहिए था, उसके लिए कोई कुछ करने वाला नहीं है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन तो किया, लेकिन जिस तरह से मजदूरों के लिए कुछ किया जाना चाहिए था नहीं कहे, केवल ये कहा गया जहां है उनको वहां रोक दीजिएगा। उसकी व्यवस्था की कोई राशि ना तो राज्य सरकार ने डिक्लेयर की ना केंद्र सरकार ने की, क्योंकि मजबूरी है, आपको कह दिया है जहां है वहां रुक जाइए। जिस परिवार में देखिएगा, हर परिवार में उसकी महिला भी साथ होगी, उसके बच्चे भी साथ होंगे, युवा बच्चे हैं, अब शेल्टर होम में कैसे रह सकते हैं सारे के सारे? अगर 2 दिन बिताने हो, 4 दिन बिताने तो बिता ले, 50 दिन अगर किसी को बिताने हो, या उसको आने वाले समय में कितना समय और लगेगा कुछ पता नहीं, इसलिए वो निकल गए पैदल। और निकलने के बाद वो कैसे पहुंचेंगे? और जिस प्रकार से आज जो जितना तापक्रम दिन में आपने देखा होगा कि बाहर खड़ा नहीं रह सकता इंसान, जिसके चप्पल जूते नहीं, चप्पल नहीं है तो केवल जो बोतल होती है उसकी चप्पल बना के जा रहा है, जो आदिवासी क्षेत्रों में जो देखने को मिलता वो सड़क पे देखने को मिल रहा है। बिल्कुल मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे थे कि हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि ट्रेन दे दो, जब ट्रेन दे दी तो उन मजदूरों से किराया वसूल लिया गया। विवाद हुआ तो सोनिया गांधी ने कहा कि हमारी कांग्रेस कमेटी इन मजदूरों का किराया देगी। तो जब स्थिति विवादित हुई तो केंद्र ने भी कहा कि हम तो केवल 15% ले रहे हैं, 85% की छूट दे रहे हैं। फिर मुख्यमंत्री जी ने भी तत्काल कहा कि नहीं, हम उसका किराया देने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आप तैयार थे तो पहले से ही, जब आप सबको पता है कि कितने बच्चों को तो सबने भेज दिया, क्योंकि वो बच्चे तो आपको मालूम है हालात भी अच्छे हैं और अच्छे घराने के जी। थे, 40,000 बच्चे कोटा से चले गए, सबसे प्रायोरिटी पहले उनको दी, मजदूरों को तो मैं मान के चल रहा लेकिन हूँ। श्याम जी मेरा एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि लगातार जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, लगातार टीवी पर लाइव पर आकर, फेसबुक लाइव पर भी आकर वो लगातार लोगों से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनके मंत्री भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन ना तो मीडिया कहीं हकीकत को बयां कर पा रही है कि कितने हजारों लोग सड़कों पर आज भी बेबस पड़े हुए हैं, भूख प्यास से कैसे जा रहे हैं वो, ना तो हमारा मीडिया जो है वो इस बात को कहीं आगे ला रहा है, ना ही सरकार जो है वो इस पर कोई बड़े कड़े कदम उठा पा रही है। तो ऐसी भयानक स्थिति में हमारा समाज किस ओर जा रहा है श्याम जी? देखिए दीपक जी, 2 दिन मैंने लगातार उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विधायकों और सांसदों से हुई, अधिकांश विधायकों और सांसदों ने कहा कि देखिएगा हमारे मजदूर जो हमारे गांव के प्रवासी लोग जो काम करने गए थे, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, 2 लाख ने रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र से कराया, लाख कितने पाए हम महाराष्ट्र से,
एक ट्रेन में आते कितने 1200। हर विधायक ये कह रहा था कि मेरे यहाँ के 400 500 हजार 1200 लोग बाहर है, और वो हमको बार बार फोन करके बता रहे हैं कि हमारे को खाने के लिए रोटी नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, उनको लाइएगा। तो कह रहे हैं कि आप लिस्ट बना के दीजिए। राजस्थान खुद अकेला कहता है 19 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, और उसमें से जाने वाले लोग कम है, 12 लाख आने वाले लोग हैं। 12 लाख को लाने के लिए कोई साधन नहीं है। अगर ट्रेन के माध्यम से जो 5 ट्रेनें हमको मिली है, तो उसके माध्यम से तो हम 6 महीने में उनको नहीं ला पाएंगे। और मुख्यमंत्री जी ने सीधे सीधे तौर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा साफ तौर पर विधायकों को, आप तय कर लीजिएगा कि कौन की स्थिति खराब है, हम उनको लाने का प्रयास करेंगे। तो वो भी अभी तय नहीं हो पा रहा है, केवल अधिकारियों के भरोसे आप चाहेंगे कि वो तरीके से आ जाए। देखिए आईएएस अधिकारी जो होता है वो प्रदेश का नहीं होता, वो अलग अलग राज्यों का होता है, उसका लगाव उन आपके लोगों के प्रति रहता ही नहीं है। आपके जनप्रतिनिधि जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि अपने साधनों से आना चाहते हैं, अनुमति नहीं मिल रही है। तो ये सारी आपस में समन्वय की बहुत बड़ी कमी है। बंगाल ने और आसाम ने तो स्पष्ट रूप से मना कर दिया, ना तो हम भेजेंगे ना लाने देंगे, दो दो बिल्कुल, बार बिल्कुल। आपसी समन्वय की बहुत कमी जो है वो नजर आ रही है, कहीं उच्च अधिकारियों में भी, सरकार में भी, और जो दूसरे लोग कार्य करने वाले हैं उनके बीच में भी। मैं यहाँ पर मुकेश जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आप लगातार 24 घंटे सेवा में लगे हुए हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि आप जब इस तरह की स्थिति देखते हैं, मजदूरों को सड़कों पर हजारों लोग जब पैदल जा रहे होते हैं, तो आप भी लगातार वहां के जिला कलेक्टरों से, वहां के विधायकों से, वहां के सांसदों से आप भी बातचीत करते हैं, तो उनका क्या जवाब होता है, क्या रेस्पॉन्स होता है उनकी तरफ से? जी देखिए, हाँ सही कह रहे हैं आप, बात तो कर रहे हैं। ज्यादातर हमने जयपुर का जो शहरी इलाका है और जयपुर का जो ग्रामीण इलाका है, क्योंकि सवाल लगा करके और एकदम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक के लोग हैं, उनके साथ सबके साथ संपर्क किया है, कोशिशें की हैं, और वो आश्वासन तो बहुत मिलते हैं कि हम कर देंगे, करा देंगे, कुछ चीजें हो जाती हैं उसमें से बहुत, लेकिन उसकी क्योंकि यहाँ 360 के आसपास कच्ची बस्तियां हैं, 10 या 12 औद्योगिक इलाके हैं जिनमें अनसरोवर औद्योगिक इलाके में ही आए हुए हैं, जहाँ पे लोग खाने को, आपने सुना ले इधर नहारी के नाका में लोग बाहर निकल गए थे, यहाँ भी बाहर निकलने की स्थिति आ रही है, कब तक वो पूरे रहेंगे? और सरकार ने यहाँ जो जयपुर में किया, बेसिकली पुलिस को ही रोटी बांटने का जिम्मेदारी दे दिया, पुलिस को ही राशन बांटने का जिम्मेदारी दे दिया एक तरीके से। तो पुलिस ये, क्योंकि उतनी जो संवेदनशीलता है वो लोगों में नहीं होती है, और 50 दिन 60 दिन जब लोग घरों में नहीं होता है, तो बेसिकली आश्वासन तो बहुत दे रहे हैं, विधायक भी हों, मंत्री भी हों, कई सारे लोग जो है क्या करते हैं, कोई ब्रेड बांट रहा है, कुछ और बांट रहा है, लेकिन वास्तव में हमारे पास अनाज की बिल्कुल कमी नहीं है, गोदाम भरे हुए हैं, एफसीआई के गोदामों में बहुत सारा हमारे पास अनाज है, अधिकतर लोगों के पास अपने चूल्हे हैं, उनको अनाज चाहिए, तो खिचड़ी और ये सारी हम बांट लें 10 दिन 15 दिन, लेकिन लंबे समय की योजना बनानी पड़ेगी। उस लंबे समय की, क्योंकि आप लॉकडाउन बढ़ाते जा रहे हैं, लोगों को निकलने नहीं दे रहे हैं, काम करने नहीं दे रहे हैं, तो आपके पास कहीं ना कहीं कुछ योजना होना पड़ेगा। उसी सुविधाओं के लिए हमने देखा है यहाँ पे कि सारी की सारी मशीनरी लगा दी गई COVID-19 में, तो दो जो हिस्से हैं इसके, एक राहत कार्य, बाकी जो मरीज हैं जो दूसरी बीमारियां हैं उनका है, उनको कोई ना तो PSC, आप सब सेंटर लेवल से देख लीजिए, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता छोटे अस्पतालों तक जा रहे हैं, उसके आगे के अस्पतालों में PSC CSC में जा रहे हैं, कोई देख तक नहीं रहा है, दूर से ज्यादा पैरासिटामोल दिया जा रहा है। तो जो स्वास्थ्य की स्थितियां हो गई हैं, बाकी लोग जो बीमार होंगे वो शायद कोविड से ज्यादा लोग मौत है, तो दूसरी बात यह है कि कच्ची बस्तियों में कचरा बीनने वाले जो लोग हैं वो 40-50 हजार से ज्यादा है। कचरा बीनने वाले तो जो कचरा बीन के लाते हैं, डिपो पर जमा कराते हैं, शाम को खाते हैं, उसको सरकार क्या दे रही है, 5 किलो आटा 1 किलो चावल और 15-20 दिन भूल जा रही है, तो वो तो भूख से मरना है उनको। उनको नहीं पता है कि वो ये COVID-19 से मरेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे लोग, यदि उन तक नहीं पहुंचा गया तो बहुत सारे लोग कह भी रहे, हमें भी कह रहे हैं और हमें दिख भी रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि बहुत सारे लोग अब इंतजाम नहीं किए गए, उन्होंने कोशिश की बहुत, जो भी सारा पैसा था 1 रुपया नहीं बचा है, जितने भी प्रवासी मजदूर थे यूपी के, बिहार के, बंगाल के, सारा पैसा खर्च कर दिया, अब वो कैसे जाएंगे, कैसे रहेंगे,
और बाहर निकलने पे पुलिस डंडे से मारती है। तो ये जो चाहे जयपुर के जिला प्रशासन हो, चाहे मंत्री हो, चाहे दूसरी सरकार हो, उन सबको ये अनाज देना, उनको उनके लिए दूसरी व्यवस्थाएं करना बहुत जरूरी है। अब खुल भी जाएगा तो एक दो महीने बाद उनको पैसा आएगा, तब तक वो कैसे जिएंगे? कोई कैश में पेमेंट तो होता अभी नहीं है। मुकेश जी, अभी मुकेश जी आप किस जगह पर हैं ये बताएं। मुकेश जी आप अभी वर्तमान में कहां पर हैं और वहां पर मजदूरों की क्या स्थिति है? अभी बेसिकली ये मानसरोवर में रिको कांटा है, जहां औद्योगिक इलाका है, मानसरोवर औद्योगिक इलाका, यहाँ हंस विहार कॉलोनी है जहाँ पे सारे मजदूर रहते हैं। एक एक मकान में 200-300 मजदूर हैं। वहां पे कुछ राशन किट सरकार की तरफ से आए हैं, वही 5 किलो वाला आया है, क्योंकि लोग यहाँ निकलने वाले थे, भूखे रहेंगे तो क्या करेंगे। तो वहाँ बहुत बुरी स्थिति है। बट रहा है, अभी 400 किट लेके आए हैं, खत्म हो जाएगा। फिर और दूसरे लोग जिसको भी पता लग रहा है, 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर कितने मजदूर हैं यहाँ पर? हाँ, यहाँ मजदूर जो हमने आइडेंटिफाई किए थे वो तो 2,500 के आसपास हैं, लेकिन यहाँ आसपास के इलाके में स्थानीय लोग जो 25 साल से 30 साल से कच्ची बस्तियों में रहते हैं, उनको भी कोई राशन नहीं मिला है। तो जैसे ही उनको सूचना मिली है, अभी सैकड़ों की तादाद में यहाँ आ गए हैं कि हमें भी दो यहाँ। तो ये जो स्थितियां बन रही हैं, बेसिकली ये एक तरीके का मिसमैनेजमेंट है। नहीं कर पाए हैं किस कच्ची बस्ती में, किस औद्योगिक इलाके में कितने लोग हैं। श्रम विभाग का जो रवैया है मजदूरों के प्रति, वो इतना बेकार है, उनको कुछ नहीं पता है। जब भी उनसे बात करो तो वो कहते हैं कोई भूखा नहीं है, केवल आप बातें उठाते हैं, ये आप कहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो आके देखते नहीं। हम उनको कहते हैं आप आके देख लीजिए, लोगों से बात कर लीजिए, ऐसा नहीं है, ये मजदूर है, ये देश को बना रहे हैं और सारी चीजें ये उत्पादन यही कर रहे हैं सारी चीजों का। ये कोई खाने के लिए झूठ नहीं बोलने वाले हैं कि हमारे पास खाना नहीं है। तो श्रम विभाग जो है इतना, अब क्या कहें उसके लिए, मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है कि श्रम विभाग के लोग बिल्कुल मुकेश जी आना चाहिए जिनके लिए ये विभाग चलता है। मुकेश जी बिल्कुल आपकी बात सही है। हम भी हमारे सिटी लाइव न्यूज के माध्यम से अगर इस समय कोई भी सरकार का अधिकारी, सरकार या कोई भी जो जागरूक व्यक्ति है वो हमारी बात को सुन रहा है, तो हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि जयपुर अपने घर की जो स्थिति है वो बहुत खराब स्थिति हो रही है। और जिस तरह मुकेश जी बता रहे हैं कि मानसरोवर इंडस्ट्रियल एरिया जो है, हंस कॉलोनी, यहाँ पर करीब 2,500 से 3,000 जो लोग हैं वो फंसे पड़े हैं, लेकिन 400 लोगों के आसपास सरकार ने यहाँ पर राशन भिजवाया है, और भी आसपास के जो सैकड़ों लोग हैं वो भूखे हैं, उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है। तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, कोई भी समाज सेवी संस्था हो या सरकार हो या सरकारी अधिकारी हो, अगर वो इस समय हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं तो कृपया यहाँ पर जाकर इंडस्ट्रियल एरिया जो मानसरोवर का है वहां पर जाकर और दूसरे इलाकों में जाकर ये देखें कि कौन लोग भूखे हैं और उन तक कोई ना कोई सुविधा पहुंचाने की व्यवस्था करें, ये हमारा निवेदन है। साथ ही श्याम जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए किस तरह की स्थिति हमारे जयपुर शहर की है, जहां पर खुद मुख्यमंत्री बैठे हैं, खुद बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री हैं, पूरी सरकार जयपुर बैठी है, उसके बावजूद सरकार के ये हालात हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए दीपक जी, कल मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो रेफरेंस आ रहा था, खुद कह रहे थे कि हमने दिया बहुत है लेकिन पहुंचा नहीं। अब बार बार मैं अब लेकिन ये कमजोरी सरकार की है ना सर, अगर सरकार ने दिया है और उन तक नहीं पहुंचा है तो किसकी कमी है ये? आप अभी देखिए दीपक जी, आपको पता हो तो श्रम विभाग में एक फंड बना हुआ है, 1,030 करोड़ रुपया उसमें इकट्ठा है, 30 लाख मजदूर उसमें रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जबकि है 60 लाख, 30 लाख का रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, और वो कह रहे हैं कि हमने उनको गेहूं दिया है और पैसा दिया है। अब आप जो ये दावा कर रहे थे, कल मेरे को बता रहे थे जब मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में जब शुरुआत की थी, जब फेसबुक लाइव कर रहे थे, विधायकों और सांसदों से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमने अभी तक जो 35 लाख निर्माण मजदूरों को 10 किलो गेहूं और पैसा डाला है। अब डाला है, अब पहुंचा नहीं पहुंचा, क्योंकि अभी मैं सुन रहा था गोस्वामी जी को भी, वो बता रहे थे कि पैसा नहीं पहुंचा। सही बात है, देखिए यार राजस्थान में जयपुर शहर में ले लें, आप सीतापुरा इंडस्ट्रीज इलाका ले लें, वीकेआई इंडस्ट्रीज इलाका ले लें, या मानसरोवर ले लें, ये और सांगरे ले लें, 2 लाख मजदूर था बाहर का, अब कितना ये भेज पाए यहाँ से? अभी दावा कर रहे थे कि 7 लाख का आवागमन हुआ है, 1.5 लाख मजदूर यहाँ से गया है, और आया कितना है इसमें, अगर ले लें 5 लाख तो आ गया। हम यहाँ पर आने वाले व्यक्ति को रोजगार दे पाएंगे क्या? ये एक बड़ी समस्या का कारण हो रहा है। कारण ये है कि हम
उनका अभी तक पता नहीं लगा पाए कि मजदूर में वर्ग में कुशल मजदूर कितना है, अकुशल मजदूर कितना है, उसको किस प्रकार का काम चाहिए। अब बाकी देखिए जो कह रहे थे कि देखिए आज जो नाई का काम करता था या बाकी छोटे छोटे जो प्लम्बर का काम करता था, बाकी जो बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं जो कि काम करने लायक हैं, काम नहीं मिल पा रहा, ये बात है। अगर कोई व्यक्ति ये है कि 10 दिन रह ले, 15 दिन रह ले, वो रह सकता है समस्याओं में, जितना पैसा वो खर्च हो गया, लेकिन आने वाले समय में उसको विश्वास नहीं है। आज सरकार किसी मजदूर को विश्वास नहीं दिला पाई है कि उसका कल का भविष्य उज्जवल होगा या नहीं होगा। इसलिए और जो हमारे राज्य एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने में जिस प्रकार का भारत पाकिस्तान जैसी स्थिति यूपी में, हम देखे भरतपुर के बाद जब जा रहे हैं तो भरतपुर के बाद जैसे ही हमारे लगती सीमा है, वहां का पुलिस अधिकारी कह रहा है कि हम यहाँ लेंगे ही नहीं, उनके लोगों को लेने के लिए तैयार नहीं है। देखिए आपस में लड़ाई हुई है, आपस में विवाद हुआ, घायल हुए, यूपी पुलिस ने तो उसको सम्मानित कर दिया जिसने रोका। तो ये एक वातावरण इस प्रकार का दूषित हो जाएगा तो हमारे इलाके, हम विदेशों से, हम पाकिस्तान से या चीन से जो बॉर्डर पर लड़ने की बात कर रहे हैं वो तो बात अलग होगी। हम अंतरराज्य स्थिति में यदि ऐसे आ जाएंगे कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने में ही बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये आने वाला समय भविष्य किस प्रकार का भारत होगा। सुनहरा भारत की बात जो प्रधानमंत्री जी कल कर रहे थे कि हम आधुनिक भारत बनाएंगे और उसमें भारत में किस प्रकार का क्या क्या करना चाहेंगे, लेकिन इस तरह का भारत जहां पर कि मजदूर को ये विश्वास नहीं है इसलिए पैदल निकल गया, 1,000 किलोमीटर, 500-700 किलोमीटर चल करके चुपचाप आ गया राजस्थान में और पैदल आ गया तो उसको कोई नाके पर रोक भी नहीं सका। जो आप देखिए कोविड की स्थिति अभी तो शहरों में दिख रही है, लेकिन गांव में ये भयंकर स्थिति हो जाएगी क्योंकि हम चेक नहीं कर पाएंगे, वहां तो सुविधा भी नहीं दे पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय में राजस्थान का क्या हल होगा, कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं हो सकता। राजस्थान सरकार दावे भले बिल्कुल कि हम इतना कुछ दे चुके। श्याम जी मैं बिल्कुल श्याम जी इसी पर आपके पास आऊंगा और आऊंगा जो 20 लाख करोड़ कल ही प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की उस पैकेज की, उसके बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन पहले मैं मुकेश जी के पास भी जाना चाहूंगा क्योंकि अभी जैसा कि आपने बॉर्डर एरिया की बात की तो मुकेश जी खुद क्योंकि बॉर्डर एरिया में लगातार जाते रहे हैं, लगातार जा रहे हैं कई दिनों से। मुकेश जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बॉर्डर इलाकों में वर्तमान स्थिति कैसी है, क्या स्थिति है, क्या हालात है वहां। जी जी, तो बेसिकली बॉर्डर एरिया में भी स्थिति ये हो गई है कि चाहे वो इधर गुजरात का बॉर्डर हो, चाहे वो यूपी का बॉर्डर है, चाहे एमपी का बॉर्डर है, अभी तो बहुत सारी तादाद में लोग आते जा रहे हैं, जाते भी जा रहे हैं, गुजरात जा नहीं रहे, गुजरात बॉर्डर से आ रहे हैं ज्यादातर, लेकिन एमपी और यूपी में दोनों स्थितियां आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं बड़ी तादाद में। और ये बात सही कह रहे हैं आपकी, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरीके से ये पुलिस का, चाहे वो किसी भी राज्य की हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का शासन हो उस राज्य में, लेकिन लोग जो हैं, चाहे वो राजस्थान के हों, चाहे वो बिहार के हों, चाहे किन्हीं और राज्यों के हों, वो इस देश के नागरिक हैं, इस देश के लोग हैं, उनको आने जाने देना, अपनी व्यवस्थाओं की कमी है इनके पास, अपनी व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहे हैं, जाँच नहीं कर पा रहे हैं। आप जहाँ पे कह रहे हैं जांच की, हम इतनी सारी हमने जांचें बढ़ा दी हैं, लाखों में हम जांच कर रहे हैं, लेकिन ये जो मजदूर आ रहे हैं, 50,000 आ रहे हैं, 5,000 आ रहे हैं, 2,000 आ रहे हैं, उनको उनको तो आप उनकी जांच करिए और जांच के बाद में उनको आने दीजिए, जरूरत है तो क्वारंटाइन करिए, सरकारी स्कूल में करिए, गाँव में सारी जगह सरकारी स्कूल है, तो उन सबको तो आपको करना ही पड़ेगा ये सब चीजें करने के लिए, लेकिन वास्तव में उस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जहाँ एक मरीज मिल जा रहा है उस पूरे इलाके में ये लगाए दे रहे हैं, मतलब कर्फ्यू लगा देते हैं। राजसमंद, कई सारे राज्य जिले हमने देखे हैं जहाँ पे दो मरीज मिल गए तो दो मरीजों पे ही वो पूरा क्षेत्र सील किया जा रहा है, लोग कैसे जाएंगे, कैसे आवागमन होगा। और ये इनको जांच की संख्या बढ़ानी चाहिए, इनको जो भी मजदूर आ रहा है, जो भी व्यक्ति आ रहा है, चाहे छात्र है, विद्यार्थी और कोई है, सबकी जाँच करो बॉर्डर पे, उसके बाद उनके गाँव में भेजो, उनके स्कूल में रखो 14 दिन, यदि ये उसमें किसी तरीके के लक्षण पाए जाते हैं, घर में जगह है तो घर में रहे, नई जगह है तो किसी सरकारी इंस्टीट्यूट में उनको रखिए, लेकिन ये इस तरह की जो स्थितियां हैं वो नहीं होनी चाहिए। जैसे और ये राजस्थान सील करे, यूपी सील करे, एमपी सील करे, ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है देश के लिए। केंद्र सरकार को साफ निर्देश देने चाहिए सारे राज्यों को
कि कोई भी किसी भी मजदूर को, अन्य नागरिक को अपने राज्य में आवागमन से बाधित नहीं करेंगे, उनके लिए उचित व्यवस्थाएं करेंगे। और केंद्र सरकार को भी मैं कहना चाहता हूं कि उनको भी उचित व्यवस्थाएं, जो प्रवासी मजदूर हैं उनके संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं, एक क्योंकि एक राज्य की सरकार है, हो सकता है दूसरे राज्य के लिए नहीं करे, कम कर रही है, नहीं कर रही है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ये सारे भारत के नागरिक हैं, चाहे वो बिहार का है, चाहे बंगाल का है, चाहे राजस्थान का है, सबके लिए प्रवासी मजदूरों को पैसा भी देना चाहिए। उनको जो ये राशि कह रहे हैं, हम ये 500 इसमें डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष और सबका डेटा होना चाहिए। अभी सबका डेटा है, राजस्थान में रजिस्ट्रेशन है कि 7.5 लाख लोग जाना चाहते हैं यहाँ से, वो सारे प्रवासी है। तो ये स्पष्ट निर्देश हो इस बारे में कि कोई रोकेगा नहीं, जाएंगे, जांच होगा और अपने घर अपने गांव में जाएंगे। सबसे बड़ी यही विडंबना नजर आ रही है कि जिस तरह से बाहर से जो लोग राजस्थान में प्रवेश कर रहे हैं, और जो जो बाहर के लोग आए हैं, चाहे वो मजदूर हों, चाहे व्यवसायी हों या किसी भी तरह के लोग हों, उनकी सही तरीके से जांच नहीं हो पा रही है, जिसके कारण राजस्थान के बॉर्डर के बहुत से ऐसे इलाके हैं, जिले हैं, जहां पर लगातार संक्रमण जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ग्राफ जो है बढ़ रहे हैं। यहाँ पर श्याम जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो लाखों करोड़ों रुपए के जो पैकेज है, राहत पैकेज है, वो लेकर आ रही है, और कल ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज जारी किया है, तो क्या आप समझते हैं कि वो पैकेज जिन लोगों के लिए तैयार किया गया है वो उन तक सही तरीके से पहुंच पाएगा, वो इसका लाभ उठा पाएंगे, या कहीं ना कहीं पहले की तरह वही ढाक के तीन पात हो जाएंगे? का पैकेज तो घोषित कर दिया, उसकी डिटेल क्योंकि आज कह रहे हैं कि जब केंद्रीय वित्त मंत्री हैं सीतारमण, वो बताएंगे कि किस प्रकार से क्या क्या होगा। ये बात सही है, किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी सपने दिखा रहे हैं इस दुनिया को, हमारे देश को, और लोगों को कह रहे हैं कि आने वाले समय में हम आधुनिक भारत का निर्माण करेंगे, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे। हम आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने के लिए हम किस तरह की बातें करेंगे, बातें तो कर सकते हैं, लेकिन हम मजदूर को खाना नहीं दे पा रहे हैं, उसको घर तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इस आधुनिक भारत की धुरी कौन है? मजदूर है। अगर विकास करना है तो आपको निश्चित रूप से मजदूर को इस लायक तो बनाना पड़ेगा कि वो जीवित रह सके। अगर वो जीवित ही नहीं रहेगा, लाखों की तादाद में सड़कों पर लोग चल रहा है पैदल, उसको उसको ये पता नहीं कि मैं घर तक पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, और बहुत सारे लोग गए, 100 से अधिक मजदूर तो मर गए, जो कि ये विश्वास कर चल रहे थे कि मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन मजदूर अपने घर पे क्या कहता है कि मैं पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा पता नहीं, मैं घर वहां से निकल गया। इतनी बड़ी तादाद में नई साइकिलें मजदूरों ने ली कि हम पैदल नहीं चलेंगे तो साइकिल पे चले जाएंगे। अब बीच में आप देखेगा कि मिल गई, उसको रोक दिया बीच में, अब उसको रोक दिया, कहां रोका? स्कूल में रख दिया। अब वहां उसका कोई नहीं है नहाने वाला, ना जाने वाला, उसको नहाने का धोने का कोई उसका इंतजाम नहीं है, लेकिन उसको क्योंकि आगे जाने नहीं देंगे या रोके रखेंगे। अब खाना सुबह का 2:30 बजे मिलेगा, रात का 9 बजे मिलेगा। तो ये देखिए, और बड़ी तादाद में आप नहीं बना सकते, इस तादाद में खाना बनाकर देना तो संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए कहना तो बहुत, उन्होंने 5 सूत्र बनाए कल प्रधानमंत्री जी ने कि हम देखिएगा कि मजबूत अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, पहली बात तो ये, और आधारभूत ढांचे को मजबूत कैसे करेंगे, तकनीक आधार पर हम यहाँ पर ला करके कार्य प्रणाली को लाएंगे और डिमांड सप्लाई को करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि हर गांव, हर जिला आत्मनिर्भर कैसे बने, इसकी प्लानिंग हमको तैयार करनी पड़ेगी। मतलब आप नौकर स्तर पर फूड प्रोसेसिंग का कैसे इजाद करेंगे, छोटे कुटीर उद्योग कैसे पनपाएंगे, ये अभी तक केंद्र सरकार कह रही है, धरातल तक कैसे जाएगा ये आप देखिए, आपस में तालमेल होगा नहीं होगा। हर राज्य सरकार कह रही है कि हमको तो नगद दे दो और हम अपने अनुसार अपने राज्य में काम करना चाहेंगे। केंद्र सरकार इस पर राजी नहीं होगी, मैं मान के चल रहा हूँ। केंद्र सरकार कहेगी कि हम तो केवल उद्योगपति को या कार्य करने वाले जो नीचे के लोग हैं उनको हम वर्किंग कैपिटल के आधार पर कुछ ऋण देंगे और उनको वापिस चुकाना भी पड़ेगा, उसमें कम ब्याज पे दे सकते हैं। ये 20 लाख करोड़ रुपए कैश देने वाला कोई नहीं है, जो सपने बैठ गए पूरे राज्य की सरकारें कि हमको इतना करोड़ मिल जाएगा, इतना करोड़ मिलेगा, लेकिन आज वित्त मंत्री
जो होंगी वो बताने का प्रयास करेंगे कि हम इस 20 लाख करोड़ को किस प्रकार से लोगों तक पहुंचाएंगे, और जो जीडीपी का 10% करीब आ रहा है, तो इस तरह से अर्थव्यवस्था आने वाले में कैसे परिवर्तित होगी और कैसे भारत विश्व का सहयोगी देश बन पाएगा। विश्व में जो सोने की चिड़िया होता था, वो सोने की चिड़िया वापस से प्रधानमंत्री जी अपना सपना लोगों को तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम भारत को वापस से अपने आत्मनिर्भर बनाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए देने जा रहे हैं, और 20 लाख करोड़ देंगे तो गांवों की, शहरों की, जिलों की, राज्यों को आत्मनिर्भर बनाने की ओर क्या कुछ कर पाएंगे, अभी कोई उनके पास प्लान नहीं था उस वक्त। केवल कल ये बोले कि होता लॉकडाउन होगा, वो नए रंग रोगन के आधार पर होगा, क्योंकि हम इसके अनुसार घर पे कैद रह नहीं सकते, हमको कोरोना की महामारी के साथ रहना पड़ेगा, और उसके उसके अनुरूप अगर हमने दिनचर्या नहीं बनाई तो हम तो जैसे विकसित राष्ट्र बर्बाद हो गए, हम तो है ही क्या स्थिति में। इसलिए मजबूत भारत निश्चित तौर से बिल्कुल आने वाला, बिल्कुल श्याम जी आपका कहना सही है, और चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे आप जैसे लोग हों, चाहे हम जैसे लोग हों, हम सभी चाहते हैं कि देश हमारा जो है एक बार फिर सोने की चिड़िया बने और इस महामारी को हम दूर भगाएं। लेकिन इसमें जरूरत है, चाहे बड़ी बड़ी सरकारें योजनाएं बना दे, लेकिन उन योजनाओं को उन लोगों तक निश्चित रूप से सही तरीके से पहुंचाना ही एक बहुत बड़ा काम होगा। इसमें जरूरी है हमें आपसी तालमेल की, और सरकार की जो राहत योजनाएं हैं वो उन आम लोगों तक पहुंचे जिनके लिए वो बनाई गई थी। यहाँ पर आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम इसी विषय पर और चर्चा करते रहेंगे। आज आपने जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। और सरकार से भी हम ये कहना चाहेंगे कि वो धरातल पर सोचे, वास्तविकता को देखे, सिर्फ कागजी कार्रवाई न करे, और जिन लोगों को वाकई आवश्यकता है उन लोगों तक, और जिन लोगों से हमारा देश सोने की चिड़िया बनेगा उन मजदूरों को, उन हाथों को मजबूत करे, यही हमारी जीत होगी। आप श्याम जी हमारे साथ बने उसके लिए शुक्रिया। मुकेश जी आपने समय निकाला उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। Live, a platform to sharing your thoughts. To sharing your thoughts.